कि सत्रहवें श्लोक का अध्ययन करेंगे और सत्रहवें श्लोक में राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए देख करके कहता है कि ये जो कन्या है वल्कल वस्त्र को धारण करके भी बहुत अधिक सुंदर लग रही है और उसकी अनेक तरह से उपमाएं देता हुआ कहता है, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्षम लक्ष्मी यम अधिक मनोज्ञा तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतिना। यहाँ पर राजा दुष्यंत कहता है कि जो स्वभाव से सुंदर होते हैं या शारीरिक मधुर आकृति वाले होते हैं उनके लिए प्रत्येक वस्तु क्या है मंडन होती है अर्थात अलंकरण होती है। वो इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेन आपि रम्यम। शैवलेन मतलब होता है काई, आपने जल में देखा होगा हरे रंग की काई होती है, उस काई से घिरा हुआ, अनुविद्धम मतलब घिरा हुआ जो सरसिजम यानी कि कमल जो है वो भी कैसा लगता है रम्यम मतलब सुंदर लगता है, यानी कि काई से घिरा हुआ जो कमल है वो भी कैसा लगता है रम्यम मतलब सुंदर लगता है। मलिनम अपि हिमांशो लक्षम लक्ष्मी तनोति, इसी प्रकार से हिमांशो मतलब चंद्रमा का मलिन भी जो लक्षम है यानी कि जो कलंक है वो क्या है लक्ष्मी तनोति सुंदरता को ही बढ़ाता है। हिमांशो यानी कि चंद्रमा का मलिनम अपि मलिन जो है लक्षम मतलब जो कलंक है वो भी क्या है लक्ष्मी को यानी कि सुंदरता को बढ़ाता है। यम अधिक मनोज्ञा तन्वी, यम तन्वी ये कोमल अंगों वाली जो शकुंतला है वो कैसी है अधिक मनोज्ञा अत्यधिक कमनीय है और मन को हरने वाली है, ऐसी जो कोमलांगी जो शकुंतला है उसको देख करके कहता है किमिव ही मधुराणाम मंडनम अनाकृतिना, किमिव ही मधुराणाम आकृति नाम यानी कि जो मधुर आकृति वाले व्यक्ति हैं या शारीरिक सुंदर जो स्वाभाविक सुंदर आकृति वाले जो व्यक्ति हैं कि मिव ही उनके लिए क्या कुछ मंडन नहीं हो सकता अर्थात क्या कुछ आभूषण नहीं हो सकता क्या कुछ अलंकरण नहीं हो सकता। ये एक प्रकार की सूक्ति के द्वारा उन्होंने समझाया है कि उसके लिए जो स्वाभाविक सुंदर है या सौंदर्य से परिपूर्ण है उसके लिए प्रत्येक वस्तु क्या है आभूषण का कार्य करती है। ठीक इसी तरह से ये कोमल तन्वी यानी कि कोमलांगी जो शकुंतला है इसके लिए अगर ये वल्कल वस्त्र भी धारण करती है, वल्कल वस्त्र कौन धारण करता है जो आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी लोग करते हैं, तो वल्कल वस्त्र धारण करने वाली ये तन्वी जो है अत्यधिक कमनीय है मन को हरने वाली है, ऐसी शकुंतला को देख करके कहता है कि विवि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम ही, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम मधुर आकृति वाले यानी कि स्वाभाविक सौंदर्य से परिपूर्ण जो लोग हैं उनके लिए किमिव क्या कुछ मंडन नहीं हो सकता क्या कुछ आभूषण नहीं हो सकता अर्थात उसके लिए सभी प्रकार की वस्तुएं क्या है आभूषण के योग्य होती है। तो शैवलेनापि काई से घिरा हुआ जो कमल है वो कैसा है सुंदर दिखता है, इसी प्रकार से चंद्रमा का जो मलिन जो कलंक है वो भी क्या है उसकी शोभा को ही बढ़ाता है, और ये तन्वी जो शकुंतला है ये कैसी है अधिक मनोज्ञा यानी कि जो मन को हरने वाली है यह बहुत अधिक सुंदर है। किमिव ही मधुराणाम क्योंकि ही मधुराणाम आकृति नाम मधुर जो आकृति है या स्वाभाविक सौंदर्य से परिपूर्ण लोग हैं उनके लिए किमिव मधुमंडनम क्या कुछ उनके लिए आभूषण नहीं हो सकता अर्थात सभी चीज़ें जो हैं उनके लिए आभूषण के योग्य होती हैं। धन्यवाद।